सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर एक डिटेल व्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा आपके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्ट का लेवल अगर आपको एक्यूरेटली बताना चाहूंगा 34,616। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर इस वीक में बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अच्छा सा बाउंस दिया था, जो कि हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का जो था वो नेकलाइन था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा एक बाउंस मिला था, और उसी वजह से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी को बाउंस मिलने वाला ही था, और फिर से यहाँ पर से बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन में चली गई। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कहा कि 34,616 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से जूम आउट करेंगे, ये वाली जो है वो हमारी प्राइमरी ट्रेंड लाइन है और ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है और ये डेली टाइम फ्रेम की है, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर बैंक निफ्टी आ रहा है, एक अच्छा सा बाउंस दिख रहा है हमको। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्यूरेटली यहाँ पर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है और एक अच्छा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन हो चुका है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर से बैंक निफ्टी एक तो ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दे या तो नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है, वो मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, अगर ये कंसोलिडेशन हम एक अच्छा सा एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये ब्रेकआउट प्रूव करेगा कि ये एक्यूमुलेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल की कंसेप्ट है। मैंने अभी तक आपके साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल डिस्कस नहीं किया, फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और अगर आप यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है वो लगाओगे, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर डी शेप्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बन रहा है, ठीक है। अभी जब भी यहाँ पर डी शेप्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है तो ऐसा कहे जाता है, मतलब ये वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल का कंसेप्ट है कि जब भी डी शेप्ड यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है तब एक अच्छा सा एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, बी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, डी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, इसी तरीके से एक थीन वॉल्यूम प्रोफाइल की कंसेप्ट होती है। पर अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाए तो यहाँ पर डी शेप्ड वॉल्यूम प्रोफाइल हो रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक अच्छी सी मतलब एक्यूमुलेशन कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी वो ब्रेकआउट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नीचे के साइड में दे रहा है या फिर ऊपर के साइड में, अभी वो किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो फिर से हम इस वाले बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट का व्यू दिखा देता हूँ। तो 15 मिनट में देखिए, थोड़ा सा हमारे मैंने जो आपको एक लेवल बताई थी 34,616 की, एक्यूरेटली मार्केट इसी लेवल को यहाँ पर होल्ड करके रख रहा है और यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। अभी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये नीचे की ट्रेंड लाइन है, ऊपर की ट्रेंड लाइन है, और ये हमारी जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है जो कि डेली टाइम फ्रेम में बनी थी, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अभी वो डिपेंड करता है कि अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है फिर भी एक रैली दिख सकती है, नीचे के साइड में अगर ब्रेकआउट दे देगा तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर इस वीक में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी। अगर ये ब्रेक करती है तो एक मेजर फॉल आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ही दिख सकता है, पर इस मंथ में एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो चुका है जो कि हमें वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है। तो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही है। मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ आपको, तो डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारी प्राइमरी ट्रेंड लाइन है, चलो बैंक निफ्टी सेकेंडरी ट्रेंड लाइन पे थी पर निफ्टी जो है वो अपने प्राइमरी ट्रेंड लाइन पे होल्ड कर रही है। अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है। इस वाले वीक में भी अगर आप देखोगे डेली के केस में तो यहाँ पर से प्राइस नीचे आया, पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि हमने डिस्कस करा हुआ था, यहाँ पर एक्यूरेटली यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट लिया गया और एक अच्छा सा फिर से बाउंस दिखा, ठीक है ना। तो इसी वजह से कह रहा हूं कि यहाँ पर एक मतलब अभी तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और इसके नीचे डेली में अभी तक कभी भी हमें यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो उसी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि और कितने दिन निफ्टी यहाँ पर हमारी सस्टेन कर पाती है और कब हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है।
अगर ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा तो हम इसको एक्यूमुलेशन या फिर रीएक्यूमुलेशन कहेंगे, अगर ये नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर देगी तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर